जो है ना चिमनी के बगल में, अभी ओ वाला इससे प्लस हो जाएगा तो ही हम लोगों का काम आगे बढ़ेगा। इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, क्या मेरा लक है, जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट किए सारे लाइन कट गए। तो आज मैं सोचा था कि रात को ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, बटेगा थोड़ा अलग टाइप का सीन दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा हो गया कि पूरे अंधेरी अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। रात का लोग कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, सारे कुछ दिखाने वाले थे, कैसा हो गया। ब्लॉग अपलोड करने आ गए हैं रूम से थोड़ी दूर पे, हम लोग का रूम उधर वगैरह है तो दिखेगा नहीं रात को। हमने अभी है ना भाटा इधर से निकाल रहे थे, इधर तरफ पे आ जाते हैं लोड करने, थोड़ी हाइट में आराम से खड़े हो लेते हैं, कुछ देर ही टाइम लगेगा अपलोड करने में। मैं रूम तरफ आ गया है, वीडियो अपलोड करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया, कम से कम 1.5 घंटा लग चुका है। तभी मैंने रूम तरफ आ गया है, बल्ब उल जल रहा है, लेकिन जो काम दिखाने में नहीं गया ना तो उस जगह का बॉल मतलब कैच ही नहीं कर पा रहा है। मतलब मैं ऐसे उंगली दिखाऊं ऐसे तो सिर्फ ये दिखेगा, लेकिन नीचे का जमीन वगैरह नहीं दिखेगा। यहाँ तो थोड़ा बहुत रूम वगैरह दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। फिलहाल हमारा खाना लग गया है, तभी चलेंगे हम लोग खाना खाने करके। सोचा कि चारू मम्मी चारू घर में होगी, तो लोग देखिए कहाँ गई थी बेटा, इधर गई थी लोग इधर में। तभी हम लोग का खाना लग गया है, चलते हैं तीनों परिवार खाना खाएंगे। हमने खाना खाने बैठ गए हैं और आप सब तो देखे ही हैं क्या क्या बनाया था रात का ब्लॉग में। ये देखिए यहाँ पे हमने चिकन लाया और बनाए, जो कोयला काम किया था ना तो उस पर एक्स्ट्रा पैसा मिला था तो लेकर आए, और इसके ऊपर रख लेते हैं, सेफ होता है, यहाँ पे गिर जाएगा ना सोते हैं। छोटा सा तो जगह है, इस जगह बैठने के लिए बनता नहीं है, तो हमारा सारा खाना उधर अभी पड़ा हुआ है और वो दिन का ही है तो उसको भी खाना है। और चारू की मम्मी ले ली है देखिए छाट छाट के, और हड्डी वाला इनको काफी पसंद है, और चारों भी साथ में है खाना खा रही है। चलिए अभी चलते हैं, हम खाते हैं, आइए आप सब भी खाने। मॉर्निंग सो के उठ गए अच्छे से, और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो इस तरह से मॉर्निंग हो चुकी है पूरी तरह से। और अभी हम लोग कुकर में खाना चढ़ा दिए हैं, ऐसे तो काम में जाने का टाइम हो गया, लेकिन हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, हमारे गलती के ही वजह से हुआ। तो क्या बुरा हुआ वो सब चारों मम्मी के साथ में रहेंगे तो दोनों शेयर करेंगे। अभी फिलहाल हमने चलते हैं सब्जी की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम बिना खाए काम करने नहीं सकते हैं। अभी ऊपर कहीं का टॉप वाला उठाना है ना तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है। तो यहाँ पर हमने देखिए बैंगन कल ताज़े ताज़े लाए हैं, तभी उसको कटिंग करेंगे। चारों को भेजे हैं बर्तन, चारों को मम्मी धो रही है ना तो वहाँ पे एक थाली लाने, तो कटिंग करेंगे फटाफट से, मिलजुल के दोनों बनाएंगे। अभी चावल बन रही है, इसको भुजिया बनाएंगे स्पेशल एकदम सादा वाला, मसाला भी तो रात में ही खाए। जब आते हैं दोस्तों आप सभी के साथ शेयर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा गलती हो गई हम लोगों से आज। हले का बेटा लाओ लाओ, चारों को बोले कि जाओ थाली लेकर, चारों को मम्मी बर्तन धो रही है तो हाँ चाकू दो, चाकू मेरा ही पास है छोड़ दो, यहाँ पर है चाकू। तो चलिए दोस्तों इसको कटिंग करेंगे, फिर बनाना भी होगा। बैगन का भुंजिया परफेक्ट बन चुका था और हमने खाना खा लिए, अब चलते हैं ईंटें ढोने, क्योंकि जल्दी जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है हम लोगों का। तो चलते हैं वहाँ वाला जो माथे वाला है उसको बांध लेंगे और चलेंगे। सो रात को खा पी के सो गए, और जो बातें आप सभी को बताना चाहते थे, चारों मम्मी तो नहीं है, टाइम लेट हो जाएगा, हमने थोड़ा सा पहले ही आ गए हैं छुट्टी करके, और चारों बेटी मेरा वहाँ पर है काफ़ी दूर में, और देखिए यहाँ पे खड़ी है, उधर ही मम्मी को जो रही है, क्योंकि टाइम 10 हो गया ना अभी, तो इंतज़ार कर रही कि मम्मी कब आएगी। पूरा इस तरह से हो गया काम करके, और जो बातें आप सभी को बताएं, देखिए चारों इधर क्या क्या करके सारे कपड़े को रखी हुई है, इसको इधर रख देते हैं, उसको मम्मी आएगी धोएगी। तो आप सभी को बता देते हैं, हम ही सबसे पहले चलते हैं, पैर हाथ धुला खा लेते हैं, पर्दे का तो यही बात है मेरा, पहले धुला लेंगे तो अच्छा लगता है, फिर ऐसे बताएंगे। लेकिन काम करने गए थे, देखें इस तरह से हो गया एकदम पूरा, काफ़ी पसीना पसीना, 10 बज गया ना, काफ़ी हीट एकदम, अब 34 ऐसे ही डिग्री है, धूप ज़्यादा अभी, काफ़ी एकदम लगता है, प्यास भी लग रहा है, ठंडा पानी रूम में है, धुआ लेंगे आराम से, पियेंगे एकदम तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले चलते हैं धुआने दोस्तों। हाँ धुआ के आ चुके हैं और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो लिए, पानी वगैरह पी लिए, थोड़ा एकदम शांत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगता है ना तो अजीब अजीब सा एकदम शरीर में लगने लगता है, एकदम पूरा कैसा कैसा इधर में एकदम, फिर चारों तरफ ऐसा फीलिंग होने लगता है कि लगता है कि काम करने कल से जाता ही नहीं। चलिए उस बात को बताते हैं, चारों मम्मी तो आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे ब्लॉग एडिटिंग करते वगैरह काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगी हमारी, तो बात को शुरू करते हैं। जैसे हमने रात को चिकन बनाया था ना, तो चिकन बनाया तो पूरे खा के नहीं ख़त्म कर सकते हैं, दो दो चार पीस खाते हैं, उसके बाद में रख देते हैं अच्छे से, उसके बाद में रात में रखे थे तो हमारे तो वाला मिला है जो है ना वो डब्बा, वो तो मिला है, लेकिन क्या है ना कि रात में हमने यहाँ पे बनाए थे इस वाला कड़ाही में, इस पे बनाए थे, तो रात को अच्छे से खाना वाना खा के सो गए, उसके बाद में यहाँ पे रख दिए थे, तो क्या हुआ ना उसी तरह से कल छुरुस पे लगाया हुआ था, अब लगाया हुआ था रात को, तो जब सो गए तो ये वाला रास्ता से पता नहीं कब चूहा होता, ठीक होता चूहा के एक और प्रजाति होते जिसको हम लोग चुचिंदर बोलते हैं, तो वो वाला आया, उसके बाद में यहाँ पे
कब घुसा नहीं घुसा पता नहीं, इधर चारों तरफ चिकन को छीड़ दिया, और इसीलिए हम लोगों का मतलब वो वाला को तो नहीं खा सकते ना काफी ज्यादा, तो चिकन भी बिगा गया और क्या बोले काफी ज्यादा एक बहुत बड़ा दिक्कत भी हो गया, क्योंकि हम लोग का टाइम मतलब जो होता है ना वो बच्चा मतलब काफी ज्यादा टाइम जैसे होता है मॉर्निंग में जाने से काम में, तो काफी ज्यादा टाइम ठंडी ठंडी में काम होती है और अच्छा भी लगता है, तुरंत खाना खा के निकल जाते हैं। तो फिर हम लोग गए कम से कम 7:30-8 बजे लगभग, तो हुआ काम 160 काम किया। अब चारों मम्मी कितना कर काफी है पता नहीं, अभी थोड़े से पहले आया, चारों बेटी अभी आई है, देखिए चारों दिखाई, चारों की स्थिति देखिए कैसा गंदी हो, पानी लाने जा रही है, हाँ तो जाओ अच्छा से जाना हाँ। तो यही प्रॉब्लम था आज का हम लोगों को, क्या ही बताएं। अब चलिए चलते हैं करेंगे और चलते हैं घर के अंदर, नहीं आए उधर रूम तरफ में क्योंकि पूरा गंदे रहते हैं ना, इधर ही कौड़ी को गिन रहे हैं बैठ के, देखिए कितना सारा की है पता नहीं, और आज नहीं मिलवाए हैं। चलिए गुड मॉर्निंग बोलिए, नाक देख रहे हैं कितना हो गया, गिनती भूल जाएंगे इसलिए गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हैं, गलत मत मानिएगा। और भाभी जी से मिलवा देते हैं, अक्सर इनसे मिलवाते हैं, ठीक है ठीक है, सब सफेद पूरा फैली करते हैं, ऐसे देख लेते हैं कितना हुआ तो ही जाएंगे। हमरा बोले कि 1-2-3 कितना हुआ, 500 700 700। चलिए बोलिए गुड मॉर्निंग, नहीं बोलने सक्रिय, गुड मॉर्निंग, चलते हैं उधर जाकर अपलोड करेंगे। गाना बजते ही रहता है तो काफ़ी ज़्यादा रिक्स होती है लोगों में हम लोग को बनाने के लिए, उधर में जितने लोग हैं ना वो उधर साइड में वो लोग बड़ा बड़ा सब बजा लगा लेते हैं, उसके बाद में काम करते हैं, उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है ना, बजा बजते रहेगा अपना म्यूजिक भी सुनते रहेंगे और थोड़ा मनोरंजन होता ही रहेगा। और हम लोगों का देखिए बोझा यहाँ तक आ चुका है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे वैसे वैसे उधर चले गए और यहाँ से बोझा हो रहा है, यहाँ तक आ जाएगा तो हम लोग का देखिए गधा चलना चालू हो गया, जस्ट ही अभी यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो बोझना चालू हो जाएगा, देखिए 1-2-3 गधा, एक डॉगी कहाँ से निकल के आ रहा है। तो इसी तरह से चलते हैं आगे, एडिटिंग वगैरह करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, कट कुट करना पड़ता है, साउंड वगैरह को रिमूव करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ना सॉन्ग अभी भी बज रहा है उधर, लेकिन हल्का हल्का सा आ रहा आवाज़, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। थोड़ा सा जाएंगे चिमनी के ऊपर में, हवे अच्छे आते हैं, उधर ही जाके करेंगे, इधर से चलते हैं, इधर वाला कोयला नहीं है, हम लोग कल उधर गिराए थे, इस तरह से लिपाई कर देते हैं ईटा लगाने के बाद हमें, देखिए इस तरह से कितने ही गाड़ी कोयला लग जाता है इधर में पूरा ये सब डलाता ही नहीं, डलाएगा तो पकेगा ही नहीं। अब तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो गया, भाई लोग को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, ऐसे के घंटा का ड्यूटी करते हैं लोग, शिफ्ट 4 लोग हैं ना, एक एक घंटा का करते हैं, सारे कोई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं दोनों। तो हम लोग इधर पहुँच गए हैं करते करते, और इधर से इधर बराबर, अब इधर ट्राएगा कि नहीं मुंशी जी राविश, नहीं यहाँ से आगे नहीं अभी क्यों, ये बताते हैं, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम है जी, अभी इसलिए नहीं ट्राएगा कि जो फुकाई इधर आ जाएगी, हाँ अभी इसको टाल देना, इससे चिमनी से पार होना चाहिए वो वाला घंटी, क्योंकि अभी हम लोग यहीं तक करेंगे तब तो फिर गड़बड़ हो गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पीड कर ले रहे हो, मतलब काम जैसे शरीर में सबका गर्मी चढ़ रहा है ना, काम करते करते पूरा स्पीड करते हैं एकदम तेज़ी से और फटाफट करते हैं लोग, यहाँ तक पहुँच गए अब यहीं तक हम लोग का आदेश है, और ये वाला जो है ना चिमनी के बगल में अभी वो वाला, इससे प्लस हो जाएगा तो ही हम लोगों का काम आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों चलिए आज के ब्लॉग इतने ही रखते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।